हमारे वाड़ी के लारी एसोसिएशन यूनियन और प्रियंका खरगे के जो टीम है वाड़ी के, पूरे मिल के हम जो हमारे जो कश्मीर में जो आत्मघाती बम डाल के हमारे जवान जो शहीद हो गए और जो घायल हो गए, उनके लिए हम लोग ब्लड डोनेट किए हैं। और हमारे फैमिली सुनीता चव्हाण और हमारे जितने भी है पूरे वाड़ी के नौजवान, हम उसके लिए बहुत फील करते, जो अटैक हो गया वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत ये करते हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट है जो भी एक्शन लेगा और लेगा जरूर, हम उसके लिए और जितने भी हम लोग जवान जो ये हो गए उनके लिए हम प्रेयर करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। ये जो पुलवामा का अटैक हुआ है हमारे वीर जवानों पे, धोखे से जिनको मारकर आज हिंदुस्तान पे ये दुख जिन्होंने दिया है, हम अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उस अटैक का बदला हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ले। और हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है, यहाँ पे टीम प्रियंका खरगे और वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे रखा गया है वाड़ी में, उसमें आज एक सिंगल महिला, ओनली लेडीज जो आज ब्लड दिए हैं वो हमारे बाड़ू भाई के वाइफ हैं। और इसलिए हम लोग ज़्यादा इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने भी कैंप यहाँ पे हुए हैं लेडीज़ औरतें खून देने के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेडीज़ में HB उनका कम होता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ भी अपना खून दे सकते हैं, ये हमारे भाभी ने आज खून दे के साबित करा दिया। क्योंकि हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जिन्होंने सेना पे अपनी जान दी, अपना खून बहाया है, भाभी का ये कहना था कि उनकी श्रद्धांजलि के लिए मैं मेरा खून भी बराबर यहाँ पे डोनेट करूँगी। लारी एसोसिएशन ऑफ वाड़ी पूरी हमारे शमशीर भाई और हमारे इरफान भाई और पूरे नौजवान जो यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो बाड़ू भाई और सुनीता मैडम और बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, जो हमारे शहीद नौजवानों की श्रद्धांजलि के लिए जो इन्होंने रक्तदान किया है इधर, इंशाल्लाह मैं हमारी गवर्नमेंट से यही ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द हमारे नौजवानों के खून का बदला ज़रूर ले, इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट ज़रूर लेगी, हमको उम्मीद है। और हमारे नौजवानों का खून खाली नहीं जाएगा, और उनकी श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं इन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इवन आई एम बी द प्राउड ऑफ टू बी द पार्ट टुडे। थैंक यू टू द लॉरी एसोसिएशन एंड प्रैंक ग्रुप यूथ्स। थैंक यू टू शमशेर भाई एंड इरफान भाई एंड अशराफ भाई एंड ऑल द टीम। एंड स्पेशल थैंक्स, माय बेस्ट विशेस टू द गुलबर्गा टाइम्स, दोज आर कवरिंग द इंडिया इवेंट एंड यूनिवर्सली ह्यूमन इवेंट। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। थैंक यू। मैं टीम प्रियंका खरगे जी और लारी एसोसिएशन ऑफ वाड़ी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने लाइफ केयर ब्लड बैंक जो आज़ादपुर रोड टीपू सुल्तान चौक गुलबर्गा में है, हमको ये मौका दिया, जो शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। ख़ास तौर पर मैं हमारे शमशीर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हर वक्त ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंशाल्लाह मेरी ये उनसे उम्मीद है आगे भी ऐसे कामों में वो आगे आएंगे और लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे तरफ से पुलवामा अटैक के शहीदों को हमारा सलाम। शमशीर भाई ने जो वाड़ी में लाइफ केयर ब्लड बैंक को मौका दिया है कि ब्लड डोनेशन कैंप करें, आज हमारे भारत पर दूसरी कौम जो पाकिस्तान है पुलवामा में अटैक किया है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं, आर्मी शहीद हो गए, जिसमें हम तमाम लोग बहुत ही सदमे में हैं, जिसकी वजह से हम लोग हम श्रद्धांजलि पेश करने के लिए नौजवानों ने आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप किया है। हाँ नमस्कार, प्रियंका खरगे जी टीम मत ವಾಡಿ ಲಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾರಿ ವಾಡಿ ಲಾರಿ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕಾಶ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಇದರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಮ್ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.